हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आशा रखते हो सब अच्छे होंगे। आप जानते हो कि हमारी एफए शुरू होने वाली है, तो हमारा रिवीजन भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है हिंदी का। तो विभाग ए गद्य विभाग थे है, उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति जो थी उसका रिवीजन अगले वीडियो में आ गया है। और आज हम करेंगे विभाग ए में से सेकंड टॉपिक है प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो बहुत गद्य विभाग है, इसलिए चैप्टर 2 और 3 के यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, फिर आपको ये रिवीजन में क्वेश्चन आंसर लिखने हैं और वो कंपलसरी है। चैप्टर 2 है ये। शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा क्यों खोल दिया? तो एक अतिथि अंधेरे में आश्रय के लिए आया है यह देखकर। यहाँ पे मैंने भले इतना लिखा है, लेकिन आपको उसका आंसर पूरा लिखना होगा कि एक अतिथि अंधेरे में आश्रय के लिए आया है यह देखकर शिशुपाल ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? तो शिशुपाल सच्चा न्याय कैसा होता है या तो कैसे होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? शिशुपाल मानता था कि न्याय ऐसा हो कि कोई अन्याय और अपराध करने का साहस न कर सके। शिशुपाल का क्या मानना था? शिशुपाल ऐसे मानता था कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अन्याय और अपराध करने का साहस यानी कि हिम्मत न करे। परदेशी कौन था, उसने दूसरे दिन क्या किया? तो परदेशी स्वयं सम्राट अशोक था। दूसरे दिन सुबह उठकर शिशुपाल को धन्यवाद देकर उसने विदा ली। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा दी। क्यों दी? तो इसका आंसर होगा कि न्याय मंत्री के पद पर नियुक्ति के रूप में, यानी कि शिशुपाल को सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया था, इसलिए उसके रूप में उसको राजमुद्रा दी। पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी थी? तो आंसर होगा शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए। हाँ, क्या हुआ? तो शिशुपाल की नींद उड़ गई और अपराधी का पता लगाने के लिए उन्होंने दिन और रात एक कर दिए थे। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? 7th क्वेश्चन है, राज्य में न्याय के विषय में कैसे परिस्थिति बदल गई। शिशुपाल के न्याय मंत्री बनते ही राज्य में शांति हो गई, किसी को किसी का भय नहीं रहा। शिशुपाल न्याय मंत्री बने, उन्होंने अच्छे से राज्य का कारभार संभाल लिया न्याय के विषय में, तो फिर क्या हुआ, पूरे राज्य में शांति हो गई और किसी को किसी का भय नहीं रहा। अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो फिर उसने क्या किया, अपराधी का पता चल गया शिशुपाल को, तो अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जैसे शिशुपाल को पता चला कि अपराधी स्वयं सम्राट अशोक है, फिर भी उसने न्याय देते हुए अशोक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। स्टूडेंट, यहाँ पे चैप्टर 2 के वन लाइन आंसर खत्म होते हैं। अभी हम चैप्टर 3 के वन लाइन आंसर पढ़ेंगे। चैप्टर 3 फर्स्ट है, आज समाचार पत्र में कौन से समाचार भरे रहते हैं? मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको आंसर पूरा लिखना है कि आज समाचार पत्र में चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार से भरे समाचार रहते हैं, या तो भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं,
वो सेंटेंस आपको अपने हिसाब से पूर्ण करना है। देश का वातावरण आज कैसा बन गया है? तो इसका आंसर होगा, लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं बचा है। ऐसा कैसा वातावरण हो गया है? तो ऐसा लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार आदमी नहीं बचा है। भारतवर्ष ने किसको अधिक महत्व नहीं दिया है? तो इसका आंसर होगा, भौतिक वस्तुओं के संग्रह को। आपको पूरा आंसर लिखना है कि भारतवर्ष ने भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया है। मनुष्य के मन में कौन कौन से विकार है? तो मनुष्य के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार है। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता आ रहा है? तो कानून को। भारतवर्ष किसको धर्म के रूप में देखता है? तो कानून को। धर्म और कानून में क्या अंतर है? तो आंसर है, धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता और कानून को धोखा दिया जा सकता है। स्टूडेंट, आशा रखती हूँ आप लोगों को ये समझ में आ जाएंगे। फिर से बोलती हूँ कि यहाँ पर शॉर्ट में आंसर दिया है, लेकिन आपको आंसर पूरा लिखना है, जो आपको पहले 8th में भी समझाया गया है, इसलिए